तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर का हलवा। ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए। इसे मैं बनाने वाली हूँ कुकर में। तो मैंने यहाँ पर करीबन 1 किलो गाजर ले लिया है, उसे राउंड शेप में कट करके रख दिया था। और कुकर में मैंने घी ऐड किया है और गाजर को हमें डालकर घी में अच्छे से सोते करना है। उसके बाद हमें शुगर ऐड करना है, जितना मीठा आपको पसंद है उसी हिसाब से ऐड कीजिए। और 1 पिंच नमक ऐड करके 3 विसल आने तक पकाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले लिया है, इस कढ़ाई में हमें ऐड करना है काजू और किशमिश, और हमें बादाम लिया है, इसे अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद हमने जो कुकर में पका कर रखा था ना, गाजर को डाल देंगे और अच्छे से स्मैश करके दे देंगे। तो बहुत ही सिंपल सा बन जाते हैं, सिंपल और इजी रेसिपी है। और इस पर मैंने ऐड किया है दूध, करीबन मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 से 1.5 कप मैंने दूध ऐड किया है। उसके बाद डेसिकेटेड कोकोनट को ऐड करना है, अच्छे से मिला देना है। और मिल्क मेड ऐड किया है यहाँ पर 2 बड़े चम्मच, अच्छे से मिला देना है। और इलायची पाउडर ऐड करना है। तो रेडी हो चुका है हमारा गाजर का हलवा। तो है ना बहुत ही आसान, तो ज़रूर शेयर कीजिए। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।